दिल्ली कौशल एवं उद्यमियता विश्वविद्यालय की आज पहली बोर्ड बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य हर छात्र को रोजगार दिलाना अथवा अपना व्यवसाय शुरू करने योग्य बनाना है। उन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक और डोर स्टेप डिलीवरी की तरह यह विश्वविद्यालय भी कौशल शिक्षा का एक वैश्विक मॉडल बनेगा। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली निवासियों के लिए आज एक बहुत अच्छी और बड़ी खुशखबरी है। हमारा सपना था कि हर युवक को रोजगार मिले। देश में बहुत बेरोजगारी है। एक वो युवा है जिनको पढ़ाई लिखाई नसीब नहीं होती, दूसरे वो युवा है जो पढ़ लिख कर भी बेरोजगार है। हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी है जो बच्चों को रोजगार के लिए तैयार नहीं करती। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमने आज उस सपने को साकार करने की दिशा में एक ठोस कदम उठाया है। आईआईएम की प्रोफेसर रही निहारिका वोहरा विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर बनाई गई हैं। डॉक्टर प्रथमराज सिन्हा, प्रमोद भसीन, संजीव बिकचंदानी, श्रीकांत शास्त्री, प्रोफेसर के अग्रवाल और प्रोफेसर जी श्रीनिवासन बोर्ड के मेंबर बनाए गए हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों में काफी अनुभव रखते हैं। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी का पहला एकेडमिक सत्र अगले साल से शुरू होने की उम्मीद है। बोर्ड मेंबर कंपनियों से सलाह लेकर ऐसा कोर्स तैयार करेंगे ताकि युवाओं को कंपनियां बुलाकर नौकरी दे सकें। हमें उम्मीद है कि मोहल्ला क्लिनिक और डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस की तरह ही इस यूनिवर्सिटी की भी पूरी दुनिया में चर्चा होगी और यह भी अपने आप में एक मॉडल बनेगा। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय में गुणवत्ता और मात्रा पर जोर होगा। इसमें पारंपरिक कौशल से लेकर भविष्य तक के कौशल प्रशिक्षण के प्रकार के उच्च गुणवत्ता पूर्ण पाठ्यक्रम होंगे, साथ ही मौजूदा जरूरतों को पूरा करने के लिए मांग के अनुरूप पर्याप्त संख्या में सीटें होंगी। ये है डीआईडी में खबरें। अब तक इंतजार कीजिए शाम तक।